स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की। क्लास सेवन्थ है। फर्स्ट एमसीक्यू में आएगा पॉजिटिव, सेकंड में आएगा कंडक्टर, थर्ड में स्विच, फोर्थ में फ्यूज़, फिफ्थ में ऑन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी है, सिक्स्थ का ए है, सेवन्थ का डी है, एट्थ का भी ए है, नाइन्थ का सी है और जो टेंथ है, टेंथ का डी है। वन वर्ड में फर्स्ट में बैटरी आएगा, सेकंड में टंगस्टन, थर्ड में रियोस्टेट, फोर्थ में सोलेनोइड, फिफ्थ में सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। फिर फोर कंपोनेंट बताने हैं और उसके सिंबल बताने हैं। पेज नंबर 119 पे पहले सेल लिखना है, इसके सामने ये सिंबल बना देना है, बैटरी के सामने ये वाला सिंबल, फिर बल्ब का बना लेना, इन दोनों में से एक बना लेना कोई भी, और वायर जो है फोर्थ, इसके सामने ये वाला सिंबल बना लेना, इधर वाले नहीं कोई भी बनाना, सिर्फ ये वाले सिंबल बनाने हैं। जो सेकंड शॉट है इसमें ये सर्किट डाइग्राम बनाना है और ये जो दो डॉट्स हैं इसको स्विच के नाम से लेबल करना है, स्विच लिखना है। नेक्स्ट थर्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन करना। पेज नंबर 200 पे वैन से लेके करंट तक आएगा। फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पेज नंबर 203 पे कंक्लूजन में वैन से लेके मैग्नेट तक आएगा ये। फिर पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रिक बेल में। फिफ्थ शॉर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ये वाला आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट लॉन्ग कट करना है, सेकेंड लॉन्ग देखो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। पेज नंबर 202 पे ये सारा पैराग्राफ लिखना है, ये वर्किंग है इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ये स्टूडेंट थर्ड लॉन्ग में ये एक्टिविटी कर सकते हो आप। पेज नंबर 205 पे है।